हेलो व्यूअर्स एंड माय किचन क्वीन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मीना रईस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीना रईस। होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मजेदार से बेसन के लड्डू, जो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी चलें, बेसन के लड्डू बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, पैन हमारा प्री हीटेड है, उसके अंदर हमने घी ऐड किया है। अच्छा जी, घी देखें, हमने ये कप से मेजरमेंट की है घी की। ये हमारा रेगुलर जो है ना, वो घी है। आप चाहें तो असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने 1 कप लिया था, ठीक है। हमने इसको इसमें अभी आधा डाला है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको ऐड करेंगे, वरना यही काफ़ी है, ज़रूरत आगे पड़ सकती है। तो लो जो है ना, गैस लो जो है वो अभी हमारी लो है बिल्कुल। ये जो जितने भी प्रोसीजर करना है ना, हमने ये लो फ्लेम पर ही करना है। अब इसके अंदर हम ये अपना बेसन ऐड कर रहे हैं। ये देखें, हल्के हाथ से हमने बेसन ऐड करना है। अच्छा जी, बेसन जो है हमारा ये 2 कप है, मैक्सिमम अराउंड जो है 250 ग्राम्स है, उसके आसपास ही है, कंप्लीट 250 ग्राम्स नहीं है। अच्छा, इसको हमने जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्के हल्के हाथ से घी के अंदर मिक्स करना है। अपने बेसन को हमने भूनना है, अभी तो थोड़ा ज़रा ये सेट होने में टाइम लेगा। इसको हमने कंप्लीट जो है हल्के हाथ से भूनना है, और फ्लेम जो है हमने लो ही रखनी है। अगर हम तेज़ फ्लेम कर देंगे तो हमारा बेसन जलने का खतरा होता है। बहुत हल्के हल्के हाथ से हमने इसको मेल्ट करना है। तो फ्रेंड्स देखें, बेसन घी बिल्कुल यकजा हो गए हैं। अब हमने इसको बहुत हल्के हाथ से, बहुत स्लो फ्लेम पे, लो फ्लेम पर हमने इसको भूनना है, और मुसलसल हमने चमचा चलाते रहना है। कंटिन्यू हमने चमचा इसमें चलाते रहना है, अपना हाथ रोकना नहीं है, वरना जो हमारा ये बेसन है ये नीचे लग सकता है, जल सकता है, तो फिर हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो तकरीबन इसको भूनने में तकरीबन कम से कम भी जी 20 मिनट तो लगेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखें, अभी ये इस कंसिस्टेंसी में है, और इसमें से हल्की हल्की खुशबू भी आने लग गई है बेसन भूनने की, लेकिन अभी ये कंप्लीट डन नहीं है। अभी हमें मज़ीद इसको 10 मिनट और देने हैं, ताकि हमारा बहुत अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। चमचा हमने मुसलसल चलाना है, मुसलसल। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सा ये भुन रहा है, बहुत अच्छी से इसमें खुशबू आ रही है, लेकिन चमचा हम मुस्तकिल इसमें चला रहे हैं, 1 सेकंड के लिए भी हमने नहीं अपना हाथ रोका है। अब इस पॉइंट पर हमें 1 टेबल स्पून जो है घी की ज़रूरत पड़ रही है। ये देखें, ये जा रहा है हमारा 1 टेबल स्पून अभी घी। अब इसको हम मिक्स करते हैं। देखें, ये जो हमने बैटर इसका तैयार करना है ना, तो ये हमें ना बहुत ज़्यादा थिक चाहिए, ना बहुत ज़्यादा स्मूथ चाहिए, रनी बैटर चाहिए हमें, लेकिन इतना भी रनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम 5 मिनट और बस भूनते हैं, 5 मिनट। तो फ्रेंड्स देखें, ये हमारा जो अमीजा है बेसन का, ये बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा भुन गया है, रेडी है। बेसन भी हमारा भुन गया है, ये देखें अब शाइन कर रहा है, ये देखें शाइन कर रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा, इस अमीजे को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, इसके टेक्सचर को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो इस तरह से चेंज करते हैं कि 1 से 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर पानी के छींटे ऐड करेंगे। ये देखें, ये देखें, पानी ऐड करने से इसके अंदर झाग पैदा हो गए हैं, ये देखें। अब हमें जल्दी जल्दी जो है वो अपना चमचा चलाना है, हमें उस वक्त तक चमचा चलाना है, हमने उस वक्त तक इसको कुक करना है कि इसके जो झाग हैं ये ख़त्म हो जाए। हाथ हमने रोकना नहीं है इस पॉइंट पर, बहुत जल्दी जल्दी चमचा चलाना है हमने, ये हमने इसके सारे झाग जो हैं वो ख़त्म करने हैं। ये देखें, बस उस वक्त तक हमने कुक करना है कि इसके झाग चेंज हो जाए।
ये हमारा बड़ा अच्छा सा बैटर रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको किसी भी ट्रे में या किसी भी प्लेट में ट्रांसफर करते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं। इसको हम थोड़ा सा ठंडा करते हैं। चलिए इसको फिर ट्रांसफर करते हैं। ये देखें फ्रेंड, ये हमने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए, उस वक्त तक के लिए रखते हैं जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता और जब तक ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेट होने में, ठंडा करने में। तो जैसे ही ठंडा होता है फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड देखें, ये जो लड्डू का बैटर है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ये देखें ये कितना शाइन कर रहा है इस वक्त, ये बिल्कुल सेट है। और ये इसको हमने ठंडा करने के लिए रखा था। ये देखें, हमें इतना ठंडा चाहिए, नॉर्मल नीम गर्म है ये, कि मेरी उंगली जो है इसमें आराम से चली गई, ये फिंगर जो है आराम से इसके अंदर गई है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे जी थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, क्योंकि इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद ये हमारे पास कुछ नट्स हैं, थोड़ा सा खोपरा था और कुछ पिस्ते बादाम थे वो मैंने कूट लिए थे, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, पाउडर फॉर्म में भी नहीं है, मोटे मोटे कूटे हुए हैं, देखें सही है। और ये थोड़ा सा खोपरा था, इसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, ये इसके अंदर जा रहा है। अब जी बारी आती है इसके अंदर ऐड करने की, वो है हमारा शुगर पाउडर। तो देखें ये जो हमारा शुगर पाउडर है ये भी 2 कप है, ये वाला, ये वाला 2 कप है ये। देखें इसी से हमने ये अपना बेसन लिया था और इसी से हमने मेजरमेंट करके जो है हमने अपना घी लिया था। अब इसी से ही मेजरमेंट जो है ये हमारा इसके अंदर शुगर पाउडर जाएगा। ठीक है, ये शुगर पाउडर जो है हम सारा एक साथ ऐड नहीं करेंगे, आधा इसके अंदर डालते हैं। गैस में अब हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड देखें, इसको हम हल्के हाथ से मिक्स करते हैं। देखें ये स्पून से तो सही नहीं लग रहा, इसको हाथ से ही करना बेटर रहेगा। ठीक है, हम इसको हल्के हल्के हाथ से मिक्स करते हैं। जितना भी हमारा शुगर पाउडर है वो सब हमारा इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल करेंगे। अच्छा, ये जो शुगर है ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम खानी है तो कम ले लें इसकी क्वांटिटी, ज़्यादा खानी है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। देखें ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन देखें इस पॉइंट पर ना हम टेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा हमारे पास होता है कि हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमें और शुगर की ज़रूरत है या नहीं है, या मीठा सही है। तो इस पॉइंट पर हम इसको टेस्ट करते हैं जी। ये भी थोड़ी सी गुंजाइश है, हम डाल सकते हैं इसके अंदर मीठा। ये देखिए ये थोड़ा सा हमारा बचा था ना, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखें जो जितना, तो फ्रेंड देखें जितनी भी हमारा शुगर पाउडर था, जितनी क्वांटिटी थी मेरे हिसाब से, मेरे अपने हिसाब से, वो सब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे हल्के हल्के हाथ से, हल्के हल्के हाथ से, कि कहीं कोई लम्स ना रह जाए, कोई गुठली ना बन जाए। मिक्स करते जाएंगे इसको बहुत हल्के हल्के हाथ से। देखिए कितना खूबसूरत तैयार हो गया है माशाल्लाह से, और देखिए शाइन भी कर रहा है। तो फ्रेंड देखें कि हमारा बैटर जो है ये बिल्कुल रेडी है। ठीक है, हम इसको अब थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। रेस्ट देने के बाद फिर हम मिलते हैं आपसे, फिर इसके बनाते हैं जी लड्डू। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ देर हमने अपने बैटर को, इसको मिक्सर जो भी था हमारा,
बेसन का, बेसन के लड्डू का हमने उसे थोड़ा सा रेस्ट दिया। रेस्ट देने के बाद देखें ये इस फॉर्म में आ गया है। अब इसके बड़े आराम से हमारे लड्डू बन जाएंगे। तो इसके लिए हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साइज़ आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना लीजिए, छोटे बनाइए बड़े बनाइए, ये इस तरह लेते हैं। इसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे करेंगे। देखें दोनों हथेलियों के बीच में हम इसको इस तरह करेंगे, गोल 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 घुमाते जाएंगे हल्के हल्के हाथ से, हल्के हल्के हाथ से। ये देखें बहुत इजीली बन रही है, आप देख रहे हैं मेरा हाथ कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। ये देखें ये ज़बरदस्त सा हमारा लड्डू बन के तैयार हो गया है। ये देखें शाइन कर रहा है, देख रहे हैं आप। ये देखें अब हम इस पर अपने एक दो तो बादाम लगाते हैं, मर्जी है आपकी, बादाम लगाएं पिस्ते लगाएं। ये देखें ये एक लड्डू हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखें इसी तरह हम ये बाकी अपने सारे लड्डू की रेडी करते हैं। दूसरा लड्डू भी हम बनाते हैं ऐसे करके ना, इसको बाइंड करना है। पहला स्टेप जो है इसको इस तरह करके बाइंड करना है, ऐसे अच्छे से। इस तरह भी कर सकते हैं आप, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, जैसे भी आपको ईजी लगे। ये देखें इस तरह करके, ये देखें, ये देखें, ये इस तरह करके अच्छे से बाइंड हो गया, ऐसे ऐसे करके। ये देखें ये इस तरह बाइंड हो। अब इसको इस तरह करना है, फिनिशिंग जो करनी है ना इसकी, इस तरह करनी है। ऐसे जब हम हल्के हल्के हाथ से करेंगे ना तो इस पर शाइन खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखें एक दो राउंड इस तरह करने में ही शाइन आ जाता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर थोड़े से बादाम लगाते हैं, एक दो बादाम लगा लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है लगाएँ या नहीं लगाएँ, पिस्ते लगा लें, बादाम लगा लें, दो लगा के लड्डू भी खुश हो जाएगा। मेरे पे दो बादाम रख दिए गए। ये देखें ये हमारा दूसरा लड्डू भी बनकर तैयार हो गया है। अब इस तरह हम सारे लड्डू तैयार कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स देखें ये हमारे होममेड बेसन के लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी बने हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं ये। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। तो फ्रेंड्स चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।